मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। जो स्वर्ग ने दी धरती को, जो स्वर्ग ने दी धरती को, मैं हूँ प्यार की वही निशानी। मानो तो यार मास्क लगा लेते हैं पहले, यहाँ पे तो लोग लगाते नहीं हैं। हमें तो अपने प्रिकॉशंस लेनी पड़ेगी पूरी। सो गाइज वेलकम टू द अनदर व्लॉग। और इस व्लॉग में मेरी कोशिश रहेगी कि रात का बनारस आप लोगों को दिखाऊं, क्योंकि अभी इवनिंग का टाइम हो गया है और घाट पे सनसेट होगा। वहाँ पे थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, वहाँ के कुछ क्लिप्स लेंगे, घाट के बारे में एक्सप्लोर करेंगे घाट को। पैदल चलते चलते हॉस्टल से निकलकर मैं अभी आया था अस्सी घाट, और मुझे यहाँ पे मिले हैं मोहित चतुर्वेदी जी। और ये यहाँ से लोकल है और अभी हमें थोड़ा सा बताएंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे। अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं, ये इस जगह का नाम है तुलसी घाट, और हमारे उस तरफ है दशाश्वमेध घाट, और बिल्कुल मेरे पीछे अस्सी घाट। तो यार यहाँ का, यहाँ की हिस्ट्री क्या है, थोड़ी सी हिस्ट्री बताओ हमारी ऑडियंस को। यहाँ की हिस्ट्री कहा जाए तो बहुत ज़्यादा पुराना है। एक्चुअल में वाराणसी ही बहुत ज़्यादा पुराना है। बनारस को कहा जाता है कि पृथ्वी का सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे पुराना शहर, सबसे पुराना शहर है। तो ऐसा इसका ये नहीं कहा जा सकता कि 15वीं शताब्दी बना, ऐसा कुछ नहीं है। घाट प्रॉपर बना होगा मे बी, जो भी हो, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं तुलसीदास ये तुलसी घाट है, ठीक है। यहाँ पे तुलसीदास जी ने, यहाँ पे ऊपर में आप देख सकते हैं ऑरेंज कलर में जो बिल्डिंग है, वहाँ पे उसी में उनका एक छोटा सा रूम टाइप का है। तो हम वहाँ जा सकते हैं क्या? जी बिल्कुल जा सकते हैं। तो गाइज अभी हम थोड़ी देर में आपको वहाँ जाकर दिखाएंगे जहाँ पे तुलसीदास जी ने रामायण लिखी थी, उस पर्टिकुलर प्लेस पर। कहा जाता है कि वो जो मकान बना हुआ है वो 15वीं शताब्दी में बना था। आप कह सकते हैं कि मुगल काल था उस समय ये बना होगा, ओके। और ये अब तो फिलहाल काफ़ी सारे पार्ट्स में बढ़ चुके हैं। और अस्सी घाट कहा जाता है, अस्सी घाट ये है और इसके अगल बगल काफ़ी सारे मंदिरें हैं। मतलब अस्सी घाट का नाम अस्सी घाट क्यों है? यहाँ पे अस्सी घाट है, 84 घाट है, कितने घाट है यहाँ पे? जी आप उधर से यदि आते हैं लगातार तो यहाँ पे ये जो घाट पड़ता है इसका अस्सीवां घाट पड़ता है, ठीक है? अच्छा, तो ये लास्ट घाट पड़ता है, इसका नाम अस्सी घाट है। ये एक्चुअल बनारस में देखा जाए तो ये सबसे लास्ट घाट है, लेकिन इसके बाद भी कुछ घाट बने हैं जो की अर्ध निर्मित है, मतलब पूरी तरह से बने नहीं है। उसके बाद अलग अलग नाम से जाना जाता है, रविदास घाट, सामने घाट, मदरवा घाट, ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं। लेकिन जो एक प्रकार से कहा जाए ऑफिशियल वे में तो यही तक है अस्सी का। आपको पास ले जाकर दिखा दे तुलसीदास जी की कुटिया। और बिल्कुल अभी टाइम हो रखा है 5:30 और 6 या 6:30 बजे आरती स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल यहाँ पे आरती, आपको बहुत भव्य नज़ारा मिलेगा आरती में। आरती यहाँ की सबसे पहले आरती होता है, फिर आपका शिव तांडव स्तोत्र बजता है भगवान शिव के उपलक्ष्य में, और गंगा जी की आरती बजती है। अच्छा खासा धुन वो सुन के एकदम, मतलब हृदय प्रसन्न समझ लीजिए एक प्रकार से। आप यदि यहाँ पे पहली बार आए हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, लगेगा। आज वैसे मंगलवार भी है, आज हनुमान जी का दिन है, तो हम अपने चप्पल यहीं पे उतार देते हैं। मैं जूते हॉस्टल में छोड़कर आ गया था क्योंकि मुझे पता था। तो गाइज वहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी तो हमने कैमरा रख दिया था अपना, और अभी हम आए ऊपर की तरफ जी। और ये जो बेटर व्यू देख सकते हैं, मूवी शूट हुई थी अस्सी मोहल्ला अस्सी, वो उसकी शूटिंग इस जगह की है। ये पूरा मोहल्ला है अस्सी मोहल्ला के नाम से, और वो गंगा जी है वहाँ पे उस साइड। और ये जो पानी की टंकी है, ये आप कुछ बता रहे थे इसके बारे में? जी हाँ, शहर का पानी यहीं से सप्लाई होता है। ये भदैनी जो वाटर सप्लाई सेंटर है वहाँ पे, तो वहाँ से यहाँ से गंगा जी का पानी खींच के ले जाया जाता है और डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरे शहर में।
वहाँ से आप देख सकते हैं उस पार। ये वाराणसी इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ की जो गंगा जी हैं आप ध्यान से देखेंगे तो एक चंद्र का आकार लेती हैं और शिव जी के मुकुट मतलब सर पे चंद्रमा का ही शोभा है, तो उसी लिए इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है वाराणसी को, और चंद्राकार गंगा जी हैं इसीलिए। और गाइस अगर यहाँ मंदिर की बात करें तो कम से कम भी 2 से 2500 से ज़्यादा मंदिर होंगे यहाँ, छोटे से बड़े मिलाकर हर घर में मंदिर मिल जाएगा आपको यहाँ पे। तुलसीदास जी का ये पुजारी जी है जी, यहाँ का अखाड़ा है जो तुलसीदास जी ने स्थापित किया था। तो इस अखाड़े का नाम क्या है? तुलसी श्री अखाड़ा स्वामीनाथ। सही है, मतलब यहाँ छोटे बड़े सारे मंदिर ही मंदिर है आसपास, जितने चारों तरफ देखो जगह जगह पे मंदिर ही मंदिर बहुत मिलेंगे आपको। और बनारस का क्या फेमस है? बनारस का और क्या फेमस है आपको अभी देख? बनारस की गाली है। तो गाइस अभी हम गंगा घाट के बिल्कुल ऊपर है, जितने ये तुलसीदास घाट है ना, और आगे की तरफ है दशाश्वमेध, यार नाम भूल जाता हूँ उसका हमेशा, दशाश्वमेध घाट। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नाम है और थोड़ा बड़ा भी है। वहाँ पे उसके ऊपर वाले से देख रहे थे फिर इसके, और यहाँ पे लाइटें भी जल गई है, सेकंड फ्लोर था। अब इसी की वजह से बेटर व्यू आता है रात को। ये चल परी बोकाल, यू नो बोकाल, मुन्ना भैया वाला बोकाल, मुन्ना भैया इधर हर एक लौंडे में मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे मैंने सुना है सब चला कोई नहीं, बस बस वही बात है, वही दो अक्कड़ दिखाए और काते दिखला देंगे, एक प्रेम से बात करो शास्त्र सिखा देंगे, अक्कड़ दिखाए और काते दिखला देंगे, प्रेम से बात करो तो शास्त्र सिखा देंगे। वाह भाई, ये मेरा एक लाइन है आज, मेरा एक लाइन है मैं सुनाता हूँ आपको, कि यहाँ के लौंडे अतरंगी स्वभाव सतरंगी, इंद्रधनुषा जो खिल जाएं, फिर तो चाय की प्याली और मुँह में गाली, बारिश साहम भी बरस जाएं, बाढ़ जो आए मन के उस दरिया में प्रेमवाणी ही तो बस गोते लगाए, सोते जगाए ये डमरू और शंखनाद, मंत्रों उच्चारण से गली गूंज जाए। ये देखो भाई का रैप कितना तगड़ा रैप है बनारसी भाषा में जी। तो भाई भाई के रैप के लिए एक लाइक ज़रूर करना वीडियो को। थैंक यू। तो यार वॉक करते करते हम पहुंच चुके हैं दशाश्वमेध घाट, और अरे भैया अभी नहीं, अभी नहीं पहुंचे, मुझे तो लगा पहुंच गए। अच्छा ये जानकी घाट है, मतलब आगे की तरफ है, बहुत ज़्यादा पता नहीं चलता क्योंकि यार आप वॉक करते रहोगे तो बीच में काफ़ी घाट्स आते हैं। यहाँ से 3-4 किलोमीटर आप समझ सकते हैं दशाश्वमेध घाट, 80 घाट से 3-4 किलोमीटर एक ही लाइन में है पूरा। जैसा भैया ने अभी बताया था कि जो गंगा जी है वो चंद्रमा के आकार में है यहाँ पे, तो उसके साथ साथ सारे घाट हैं यहाँ पे। उसको पंचकोसी यात्रा बोला जाता है, रास्ते में आपको बहुत मजा आएगा, जैसे होता है भांग वगैरह हो गया, खीर हो गया, अलग अलग चीजें। नहीं भांग वांग तो मैं पीता नहीं, खीर खा लूंगा। नशे में लड़के घूमते रहते हैं। हाँ ये तो पता, मतलब किस एरिया में होता है पर्टिकुलर, जैसे काशी विश्वनाथ टेम्पल है जी जी, तो उसके आसपास ही वो सारा वो होता है। उसके बाद काशी विश्वनाथ टेम्पल के बाद एक मणिकर्णिका घाट है। हाँ मणिकर्णिका, जहाँ पे वहीं से शुरुआत होती है उसकी, और फिर से मतलब लगभग 24 घंटे लगते हैं उस पर यात्रा में, और 24 घंटे के बाद फिर वहीं पे लोग रिटर्न आते हैं, जहाँ से शुरुआत हुआ है वहीं पे अंत होता है। और कितने बजे से स्टार्ट होती है? लगभग वही, जैसा हम इसको पर्टिकुलर टाइमिंग तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन हाँ शिवरात्रि के दिन होता है ये, सुबह से स्टार्ट हो जाती है। हाँ दोपहर में शिवरात्रि के, मेरे को कोई अभी पीछे बता रहा था कि रात में रात भर चलती है। हाँ हाँ पूरा रात भर, पूरा रात भर, तो मतलब रोशनी वगैरह पूरा चलते रहेंगे। हाँ लोग चलते रहेंगे उस रात में। जिंदगी के कष्ट हैं हजार और इलाज भोलेनाथ, तेरा नाम सर पे हाथ तेरा साया मेरे साथ, आशीर्वाद जबरदस्त डमरू धुन में मन ये मस्त, बन परिंदा दुनिया ढूंढे बाबा तुझको कैलाश में, वायुदेव बन के बाबा गतिमान सबके श्वास में, अब न जिंदगी हताश है चिलम ही चार धाम है, लाल करके दोनों आंखें हम तो महाकाल के ही। कॉमेडी की बात करें तो हर लौंडा यहाँ का अपना कॉमेडियन बनना चाहता है, हर तरीके स्टैंड अप करते हैं। बस स्टैंड अप नहीं, वो अलग ही स्वैग होता है, जैसे हम खड़े हुए हैं ठीक है, अब आप गाली देंगे, आप दिल्ली से हैं वो फीलिंग है उधर ठीक है, दिल्ली से हैं लेकिन यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ भौकाल से होता है, समझ सकते हैं कि यहाँ की एक प्रकार से वो सार्वजनिक गाली ठीक है,
मतलब अमृत है, अमृत है, बिल्कुल अमृत है। अगर यहाँ के लोग बोलते तो वो लगती नहीं है, लड़ाई नहीं होती, और ऐसा लगता है कि कुछ उसके बिना प्यार दे दिया। हर एक स्लैंग अधूरा है उसके बिना। काफी स्पेस है यहाँ, हर चौथे घर में कला प्रेमी दिख जाए। क्या पहुँच गए क्या हम दशाश्वमेध घाट? नहीं है भैया वहाँ पे। तो यार मुझे तो लग रहा था काफी पास है, बट हाँ वैसे अगर आप वॉक करके जाओगे तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा। अब भाई मुझे मिले, हम इनसे यहाँ की कुछ बातें करते हुए अपना घाट वॉक कर रहे हैं एक तरह से, और वॉक करते करते हम पहुँच जाएंगे दशाश्वमेध घाट। सो यहाँ का सबसे फेमस घाट यही है, एक दशाश्वमेध, एक अस्सी घाट और एक मणिकर्णी का। यहाँ पे क्रिकेट चल रहा है अभी घाट पे, ये कौन सा घाट है? हाँ निर्वाणी घाट, यहाँ भारत। और यहाँ पे भैया पतंग उड़ा रहे हैं, हमारा जो 15 अगस्त को उड़ती है। यहाँ 14 जनवरी, यहाँ पे उड़ते 14 जनवरी को मकर संक्रांति पे। जी बिल्कुल। और हमारे दिल्ली में आप लोगों को पता ही है, मतलब जो लोग दिल्ली से है, बाकी आप अपने अपने शहर का एक बार कमेंट्स करके बताना कि पतंग कब उड़ाते हैं। भारत की यही विशेषता है, यहाँ 4 गज जमीन में क्रिकेट हो जाएगा आराम से। और फिर भी बड़े बड़े ग्राउंड में लॉर्ड्स बना रखा है इंग्लैंड। हाँ बिल्कुल, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ अरे चाय वाले रूम में अपना आराम से टक टक ऊपर किए जा रहे हैं लेग बैट। यही भारत है, रूल बन गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इधर से गया मुझे एक बात बताओ यार, यहाँ पे काशी, वाराणसी और बनारस तीन नाम क्यों है एक शहर के? बहुत ज्यादा हैं, और भी मिल जाएंगे आपको अलग अलग, मतलब क्यों है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है? काशी कहा जाता है काशी मोक्ष वाला, मतलब जैसे बहुत ज्यादा पहले जो था वो काशी था, सबसे पहले काशी लोग कहा करते थे। नॉर्थ साउथ के देख लीजिए आप लोग, कहते थे काशी जा रहे हैं, ये वो काशी में मोक्ष मिलता है, ये सब इसलिए फेमस था काशी। अब जब नए मॉडर्न में आए तो नगर पर ऐसे कुछ कहा गया, और बनारस बहुत पुराना, और ये मिलाया गया वरुणा और अस्सी के बीच का जो इन दोनों का संधि होगा उससे वाराणसी बना, वरुणा और अस्सी घाट के बीच। जी जी वाराणसी। और कई लोग अपना जो यहाँ का लोकल लैंग्वेज भोजपुरी है, यहाँ भोजपुरी लोकल लैंग्वेज होने के चलते यहाँ पे बोलते हैं लोग वाराणसी को बनारस बोलते हैं अपने लहजे में। ठीक है, सही है सही है। तो गाइस इतना ब्यूटीफुल लग रहा है वहाँ का नज़ारा भी। फर्क बनारस और वाराणसी में फ़र्क यही है कि हाँ एक होता है कि हम बोलते हैं बिस्कुट बोलते हैं खो, एक लोग बोलते हैं बिस्किट, बस वही वाली बात। आप लोग क्या बोलते हो, बिस्किट या बिस्कुट? तो भाई बनारस में तो बिस्कुट बोला जाता है, बिस्कुट दे दो हमें चाय में डुबो के खाना है। बस 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 है ना, ये तो चीज़ मैंने देख ली। अभी ये पूरा खेत बनारस अंदर जो गाँव है लोकल, मतलब लोकल कह सकते एकदम प्योर लोकल जो है ना वो यही एरिया है इधर का। इस तरफ घाट है और पीछे की तरफ जो यहाँ के लोकल लोग रहते हैं उनके घर है पीछे की तरफ। दिस इज द सेंटर्ड पोजीशन ऑफ वाराणसी। और यहाँ से पूरा फैला हुआ है, पूरा फैला हुआ है अंदर की तरफ। आप ड्रोन इमेज देखेंगे आपको लगेगा क्या है ये, है क्या ये भौगाल, भौगाल है, मजा आ जाएगा। तो गाइस चलते चलते हमें करीबन आधे घंटे से ऊपर हो गया है और दशाश्वमेध घाट अभी तक नहीं आया है, और हम वहीं पे जाके आज गंगा आरती अटेंड करने वाले हैं। तो गाइस हम दशाश्वमेध घाट पहुंच चुके हैं और मोहित भाई मेरे को लेकर आए हैं यहाँ पे, और आप अगर पीछे क्राउड देखिए, और अभी गंगा आरती यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है, तो जैसे गंगा आरती स्टार्ट होगी हम आपको दिखाएंगे पूरा। यार भीड़ देखो एक बार, यहाँ पे कितनी भीड़ है, और यहाँ पे जैसे अभी स्टार्ट होने वाली है, अभी टाइम हो रखा है, आगे हूँ मैं, एक सेकेंड, 6:15 हुए अभी, तो 6:30 या 7 बजे तक गंगा आरती यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। और यार आप यहाँ से भी गंगा आरती इंजॉय कर सकते हो, और लोग वोट में जाके उस तरफ से भी देखते हैं, वहाँ से एक अलग ही व्यू आता है। बोट राइडिंग कर रहे हैं, दशाश्वमेध वहाँ पे लिखा है ना सामने, दशाश्वमेध घाट इधर में वो पूरा दशाश्वमेध ही है। हाँ ये दशाश्वमेध जो है, ये राजा दशरथ जी जो थे ना, उन्होंने इधर में 10-12 अश्वमेध यज्ञ किया था राम जी के पिताजी, इसलिए इस घाट का नाम यज्ञ पढ़ने की वजह से हुआ दशाश्वमेध घाट। ये वाराणसी का सबसे इम्पोर्टेंट घाट है, जिधर में शाम को गंगा आरती होता है, और जब शिव जी ने यह काशी का स्थापना किया था तो ब्रह्मा जी ने किया था, बाबा विश्वनाथ जो भोलेनाथ की टेम्पल है उस नाम से पड़ा इसका काशी।
काशी बोले तो ये बाबा बोले ना बारह ज्योतिर्लिंग में आते, जो आपका आता है ना बारह ज्योतिर्लिंग, तो ये काशी उसका नाम शिव जी की वजह से पड़ा। अभी अभी जस्ट गंगा आरती खत्म हुई है और अभी हम निकलते हैं यहाँ से। हिस्ट्री से भी पुराना है। बी केयरफुल फॉर योर मनी पर्स कैमरा मोबाइल चैनल लगे भाई साहब, कोई फोटोग्राफी सेल्फी नहीं कीजिएगा किसी भी कैमरे द्वारा या मोबाइल द्वारा। नो फोटोग्राफ्स नो सेल्फी। आप लोगों को आरती पसंद आई होगी गंगा आरती, तो भाई इसी के साथ व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और अभी हम निकलते हैं अपने हॉस्टल में। सो यार स्टे ट्यून, स्टे पॉजिटिव, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर ज़रूर करना यार, और चैनल को अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अभी तीन चार दिन हम यहीं पे हैं तो एक्सप्लोर करेंगे वाराणसी को और अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।